हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम 5 to 7 नंबर्स पक्के हैं इसके बोर्ड एग्जाम में। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। आते हैं चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप देख ही रहे हैं इसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये 3 वर्ड्स का बहुत कमाल है यहाँ पर। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से है, और मैग्नेटिक वेव तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मैग्नेटिक का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से है, और वेव मतलब आप तो जानते हैं वेव जो कि हमारी तो होती है। और वेव हमारी क्या है भाई, वेव की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, सी, या कई बार इसको हम भी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आपको एक चीज दिख रही होगी, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 वर्ड्स दिख रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर ये 3 हमने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये वेव मूव करती है, तो उसकी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है। तो इन तीनों से रिलेटेड हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे न्यूमेरिकल्स आते हैं या ऑब्जेक्टिव में आता है। तो बताओ इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। तो उसके याद रखने के हमने एक ट्रिक बनाई है कि आप इनको अगर अल्फाबेट में सिक्वेंस में अरेंज कर देंगे तो आपका फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, एबीसीडी वाला, जिसको हम एबीसीडी वाला फॉर्मूला कहते हैं। डी के बाद क्या आता है, सी, और उसका डी तो है नहीं, तो वहां इक्वल साइन लगा देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, ई। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया हमारा भाई, बी सी इज इक्वल टू ई, जिसको हम एबीसीडी वाला फॉर्मूला बोल देते हैं। बी सी डी है नहीं, तो इक्वल साइन लगा दिए और इक्वल टू ई हो गया, तो बी सी इज इक्वल टू ई, इजिली हमको याद हो गया भाई ये। अब हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है। तो अब अपने को मालूम है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वेलोसिटी है, तो दोनों क्या होंगे, वेक्टर। और 2 वेक्टर का मल्टीपल अगर वेक्टर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसी का मतलब हम यहाँ इसको क्या लिखा जा सकता है, पी क्रॉस सी इज इक्वल टू ई भी लिखा जा सकता है। क्लियर बात है। इससे रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाऊंगा आपकी जो 2023 में आया है। अब जैसे आपने 11th क्लास में पढ़े हैं आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या होता है, के कैप। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होता है भाई, के कैप। सेम वैसे ही, और इसमें भी फिर हम सिक्वेंस ले जा सकते हैं, आई जे के, उसका जे क्रॉस के भी तो लिख सकते हैं, तो जे क्रॉस के क्या होता है मेरे भाई, आई कैप। फिर के क्रॉस आई भी तो लिख सकता हूं मैं, तो के क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे। मतलब सिक्वेंस में चलते हैं, आई जे के आई और के आई जे, बस वैसे ही यहां पर दिमाग लगाना है। बी पी क्रॉस सी इज इक्वल टू ई, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी इक्वल टू क्या आया, और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस। मतलब हम बी सी इज इक्वल टू ई याद रख लिए न्यूमेरिकल के लिए। और इसका वेक्टर फॉर्म देखा जाए तो इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, थ्री टाइप से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हम आई जे के कैप में लिखते हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम भाई, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन बताऊंगा आपको। नेक्स्ट फिर से हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 3 वर्ड्स है, तो और क्या कर सकते हैं हम, तो हमको मालूम है 3 एक्सिस होते हैं, एक्स बाय जेड या आई जे के कैप होते हैं, बस वैसे हम ये 3 वर्ड से हम 3 एक्सिस में इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो भाई ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ले लिए, ये जो वेव है वो कहां पर हो जाएगी, हमारी हमारे एक्स एक्सिस में वेव मूव करेगी, मतलब जिसको हम सी की डायरेक्शन बोल सकते हैं या वेलोसिटी वी की डायरेक्शन बोल सकते हैं। आया समझ में अपने को। तो ये 3 वर्ड से हमने 3 वर्ड्स का एक फॉर्मूला देख लिए, 3 वर्ड से हमको मालूम है 3 एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, या आई कैप जे कैप और के कैप। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो वेव है वो किसमें, एक्स डायरेक्शन में होगी। और कई बार क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको दिखेगा, आपसे बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा जेड एक्सिस में है, तो बताओ वेव किधर मूव करेगी। तो भाई देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, ये जेड में, तो हमारी वेव किधर जा रही है, एक्स एक्सिस में।
और इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। जैसे हम यहाँ पर क्या और बना सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हमने इस तरीके से ले लिए, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, तो बाय वाला हमारा क्या होगा, टेप को शो करेगा, सी की डायरेक्शन को शो करेगा। और ये मजे की बात है कि थ्री एक्सिस आप जानते हैं, एक्स बाय जेड तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारी वेव है, वेव की जो डायरेक्शन है, ये तीनों हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सी या वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आया समझ में? इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है और ई नॉट इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के जेड है, और ऐसे ही बी को भी हम इसके वेव के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बाय में हो गया, तो क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। इसका मतलब ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड बाय में है, तो ये जो जेड दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये जेड क्या शो कर रहा है, वेव की डायरेक्शन। तो इसका मतलब वेव किस में होगी, जेड डायरेक्शन में। आए समझ में अपने को? तो इसी से ये पता चला है कि भाई हम तीनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारी वेव की डायरेक्शन, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, स्पीड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, और ये किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टू डायरेक्शन को कर रही है, तो थर्ड डायरेक्शन को वेव को करेगी। फिर हमसे ये पता चलता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको EMW भी बोलते हैं, BMW नहीं, EMW। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमको याद रखना है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज, जब हमारा चार्ज कैसा होता है, एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सेलरेटिंग चार्ज। चार्ज हमारा एक्सेलरेट होता है तब प्रोड्यूस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है या हाई स्पीड चार्ज है, वो सडनली स्टॉप होता है, मतलब उसकी स्पीड में चेंजेस आता है। स्पीड में चेंजेस आना मतलब एक्सेलेरेशन ही, तो भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। और हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और उसमें कोई चार्ज हमारा एक्सेलेरेट हो रहा है, तब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आते हैं हम इसमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, देखिए जरा। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो हमारा स्पीड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो परमिटिविटी आती है जिसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में जो परमिबिलिटी आती है म्यू नॉट, उन तीनों का भी रिलेशन होता है। तो सी इज इक्वल टू 1/√ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन अपने को याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू 1/√ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये एक और बात याद रखना है भाई, जो ये स्पीड है ना, जो हमने लाइट की स्पीड है, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ये एयर और फ्री स्पेस में बताता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है सॉल्व करने पे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आया समझ में अपने को? नेक्स्ट बात, अगर सर ये मीडियम में हो जाए, एयर और फ्री स्पेस की अगर मीडियम की बात करें, तो मीडियम में हम स्पीड को, वेव की स्पीड को वी से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस क्या आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट हट जाएंगे, सॉरी नॉट बस हट जाएंगे, तो क्या जाएगा, म्यू इंटू एप्सिलॉन का जाएगा। मतलब नॉट नहीं लगाना है क्योंकि ये मीडियम की बात हो रही है, ये परमिबिलिटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्लियर है। और आप जानते हैं कि फ्री स्पेस और इसमें रिलेशंस क्या होता है मीडियम के लिए, तो रिलेटिव परमिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, मतलब परमिबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है। और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू,
इसका मतलब मैं वी का एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ, वी इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू को क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। मतलब ये जो पुराना फॉर्मूला है म्यू नॉट को याद है, उसके साइड में रिलेटिव परमिबिलिटी का अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिए तो वो किसके लिए हो जाता है, मीडियम की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, इंटू और क्या करेंगे भाई हम ऐसे ही एप्सिलॉन जो परमिटिविटी है मीडियम की वो निकालने के लिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या इसी को हम एप्सिलॉन आर को डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं जिसको के से भी डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से ये वाला याद है तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये मीडियम के लिए और ये एयर या फ्री स्पेस के लिए क्लियर है। और मीडियम में जाने पर स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो भी ज्यादातर प्रॉपर्टीज है, वो जो लाइट की प्रॉपर्टी हमने पढ़े है ना कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इस तरीके से लाइट वेव की तरह बिहेव करता है, वो ड्यूअल नेचर में जो भी प्रॉपर्टी है ज्यादातर उसको ये क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो इनकी क्या होगी, इनके पास एनर्जी भी होगी, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी रहती है तो वो क्या होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। सेम ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की के कारण जो हमारी एनर्जी रहेगी तो वो क्या होगी, 1/2 पी का स्क्वायर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्लियर बात है। और अगर आपसे ये दोनों का रेशियो पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, तो इसमें रेशियो क्या आता है भाई हमारा, 1 के आसपास आता है। क्यों, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं कि कैसे 1 आता है अपना, तो बहुत ही ईजी है। देखते हैं दोनों को लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन 1 दे दो और इक्वेशन 2, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आया तो फॉर्मूला लगाएंगे आप उड़ा देंगे, और ये आपके पुराने भी हमने चैप्टर्स में पढ़े हैं, बहुत ईजी है। इन दोनों का जब रेशियो करते हैं हम एनर्जी का, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन 1/2 यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, 1/2 से 1/2 गया तो यू ई अपॉन यू बी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, और ई अपॉन बी, ई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे लाल, तो अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में ही आपको एबीसीडी वाला फॉर्मूला, क्या था एबीसीडी वाला फॉर्मूला, अल्फाबेट में अरेंज करो, बी सी इज इक्वल टू ई, तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ई डिवाइडेड बाय, तो सी इज इक्वल टू जब मैंने ई डिवाइडेड बाय करा तो दोनों तरफ स्क्वायर लगाऊंगा, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई का स्क्वायर अपॉन ई का स्क्वायर कर सकता हूँ कॉमन सेंस से। और आप जानते हैं सी की, अभी हमने इसके प्रीवियस वाले पेज में डिस्कस करें कि सी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट का म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों को स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ मेरे लाल, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसका स्क्वायर लगा तो मैंने भी क्या लगा दिया, स्क्वायर, सी का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। आप ध्यान से देखोगे स्क्वायर से ये क्या हो गया हमारा, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो गया मेरे भाई, कैंसिल आउट। अब ये कैंसिल आउट हो गया तो ई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन म्यू नॉट टू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हमारा क्या है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नहीं नहीं सॉरी ये फॉर्मूला हमने गलत रख दिया, यहाँ पर वैल्यू हमने क्या पुट गलत कर दिया, ये क्या होना था, बी का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, तो ये हमारा जो म्यू नॉट है ना भाई कहाँ आता, ये भाई ये थोड़ा सा डिवाइड करने में ग्लिचिंग हो गई, तो म्यू नॉट जो है जब हम इसका होल डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो गया राइट हैंड साइड, ये तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट, ये जो हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर रहता है वो कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, इसका मतलब ये जो म्यू नॉट है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा म्यू नॉट का क्या हो जाएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट, ये म्यू नॉट से ये म्यू नॉट भी क्या हो गया, कैंसिल आउट, और क्या आ गया, 1, इसका मतलब हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो क्या होता है, 1 होता है, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, और क्या अभी मैं पूरे क्वेश्चन कराने वाला हूँ भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम
और क्या है, थोड़ा बहुत बच्चों वाले हम फॉर्मूले याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आता है डिस्प्लेसमेंट करंट, भाई जो कैपेसिटर रहता है ना, कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होता है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, और वो किस कारण से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट के कारण। तो आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बस इसके अलावा आपको कुछ करना है इस पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप पोर्शन एंड हो गया, चैप्टर एंड हो गया, आप बचा है वो भी थोड़ा सा बच्चों जैसा, अभी 5-2 मिनट में उसको एंड करते हैं अपन चुटकियों में। तो यहाँ पर हमारी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। और ये भाई कितने टाइप की वेव होती है, 7 टाइप की। इस 7 टाइप की वेव को मैं चुटकियों में आपको याद करवा दूंगा, और इनको सिक्वेंस से याद रखना है ताकि आपकी वेव लेंथ ईजिली याद हो जाए। वेव लेंथ याद हो जाएगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी याद रख सकते हैं, और यूजेस तो बहुत ईजी है, वो आसानी से याद रख सकते हैं। और वेव लेंथ आसानी से याद रखने का तरीका के लिए हम क्या करेंगे, इनका सिक्वेंस याद रखेंगे। सिक्वेंस में याद रखने का क्या तरीका है, आप क्या करो, टोटल पहले वेव पता होना चाहिए। टोटल वेव कितने टाइप की होती है भाई, 7 टाइप की टोटल वेव होती है। 1 लिख लिया हमने, 7 लिख लिए। तो फर्स्ट जो वेव होती है वो गामा रे होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें फर्स्ट टाइप की जो वेव होती है या रेस होती है वो कौन सी होती है, गामा रे। तो गामा गाड़ी आप जानते हो, गामा एक नाम से गाड़ी आती है, तो गाड़ी की आवाज बिल्कुल पास में आएगी तब तो सुनाई देगी। तो इसका मतलब पास में आ रही मतलब लेंथ क्या है, बहुत कम है, तो सबसे कम वेव लेंथ गामा रे की होती है। और रेडियो वेव इंसान मुंबई दिल्ली लंदन कहीं पर भी हो, वहां से अगर रेडियो में कुछ बोल रहा है तो वो हमको यहाँ तक सुनाई दे सकता है रेडियो के थ्रू। इसका मतलब रेडियो वेव की वेव लेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि गामा रे जो है हमारी, गामा रे को हम किससे डिनोट करते हैं, बाय जैसा सिंबल होता है इसका, कैसा होता है, बाय जैसा सिंबल होता है। तो इसकी वेव लेंथ क्या होगी भाई, सबसे कम, और सबसे ज्यादा किसकी वेव होगी, वेव लेंथ सबसे ज्यादा रेडियो वेव की। तो सबसे कम याद हो गया और सबसे ज्यादा हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं है, ये फर्स्ट और लास्ट याद रख लिए। अब ये देखो गामा बाय जैसा दिख रहा है, बाय के पहले क्या आता है भाई, बाय के पहले आता हमारा एक्स, और एक्स के पहले क्या आता है भाई हमारा, यू वी रे हो गई है। और फिर फोर्थ नंबर यू तो यहां आ चुका है, उसके बाद क्या है वी, यहां पर क्या जाएगा, विजिबल लाइट, या बीच में जो रे होती है वो क्या होती है, बीच में जो रे है वो विजिबल रे है। क्लियर बात है, तो 3 इधर हो गए, 3 इधर हो जाएंगे, 5, 6, 7, ये 3 ये 3 ये, तो बीच वाली क्या है, विजिबल रे। और इसके बाद विजिबल रे से हम क्या देखते हैं भाई, यूजेस पढ़ेंगे अभी। विजिबल रे से हम क्या देख रहे हैं, जो अभी आप मुझे देख रहे हो, इसका मतलब ये समझ में आया, विजिबल रे से हम कुछ भी वर्ल्ड में किसी को भी देखने के लिए हम विजिबल रे मतलब विजिबल लाइट का यूज करते हैं। अभी मैं हम ये जो देख रहे हैं आप मुझे, तो वो विजिबल रे के थ्रू देख रहे हैं, उसी को हम यूजेस में लिख देंगे कि एनिमल वगैरह किसी को देखने के लिए हम विजिबल रे का यूज करते हैं। और टीवी देखने के लिए भी यूज करते हैं विजिबल रे, और टीवी में क्या होता है भाई, रिमोट, और रिमोट में भी चैनल चेंज होते हैं अपने, ठीक है, 9x। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि टीवी में जो रिमोट होता है चैनल चेंज करने के लिए, तो उसमें कौन सी रेस होती है, उसमें रहती है इंफ्रा रे। तो जो हमारे रिमोट होते हैं उसमें जो रे होती है वो क्या होती है, इंफ्रा रे। और लास्ट बची मेरे भाई, लास्ट है वो माइक्रोवेव, जो घर में आपने कई किसी घर में देखे होंगे माइक्रो ओवन, तो माइक्रोवेव पे बेस्ड है, या रडार जो है वो माइक्रोवेव पे बेस्ड है। बस अब आपको अगर ये सिक्वेंस याद हो गए तो अब भाई बहुत ही इजी तरीके से हम क्या याद रख सकते हैं, इनकी वेव लेंथ। तो हमने ये सिक्वेंस याद रख लिए 7, अब हम वेव लेंथ याद रखेंगे। तो वेव लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। और यहाँ पर जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ को हम मीटर में वैल्यू याद रखेंगे, उसको आप इजीली एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे कम जो वेव लेंथ होती है वो गामा रे की होती है, और वो कितनी होती है, 10^-14 मीटर, ऐसा याद रख लो। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा रेडियो वेव की होती है, 10^2 मीटर, या जिसको 100 मीटर बोल सकते हैं। अब ये 2 आपको याद हो गई, तो अब आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, ये 2 याद हो गई, बीच वाली विजिबल रे है, विजिबल रे तो जो हमारा लाइट है विजिबल, उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर, जिसको आपने याद रखा है 10th क्लास में, फिब ग्योर, कैसे याद रखा है,
बिबग्योर, बस ये बिबग्योर याद रखो तो आपको मालूम है विजिबल में कितने कलर्स होते हैं, सेवन कलर्स, और सेवन कलर्स होते तो आप यहाँ उसी का दिमाग लगा के याद रख लो, 10^-7 मीटर विजुअल लाइट का क्या होती है, वेवलेंथ होती है। और ये आपको याद हो गई, फर्स्ट वाली भी याद हो गई, लास्ट वाली भी याद होगी, और बीच वाली भी याद होगी, 10^-7 मीटर। अब कुछ नहीं, इसके दो दो में गैप कर दो, तो दो हम डिक्रीज करेंगे तो 10^ क्या हो जाएगा, -12, इसमें 2 का गैप करेंगे तो 10^-10। और ये भाई ये फिक्स नहीं होती है, ये रेंज में चलती है, तो मतलब 10^-14 से -12 तक जाएगी, ये -12 से -10, ये -10 से -9 तक, वो -10 से -8 तक, फिर ये बीच में क्या होगी 7, तो ये भी रेंज में चल रही है। तो हमको एक रफली आइडिया जाएगा जिससे हम अभी क्वेश्चन उड़ा देंगे इजिली। और उसके बाद -7 में से 2 कम करो तो -5 किसकी हो गई, और लास्ट सेकेंड लास्ट क्या हो जाएगी, 10^ ये +2 है तो ये -2, या -3 भी करना है तो -3 भी। इस तरीके से आपको पूरी वेवलेंथ याद होगी, और वेवलेंथ याद हो गई तो मेरे लाल फ्रिक्वेंसी तो और भी इजी है, और फ्रिक्वेंसी कुछ नहीं है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है वेवलेंथ के जस्ट अपोजिट, मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा, मतलब फ्रिक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं या हम स्मॉल एन से, और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है उसकी यूनिट क्या है, हर्ट्ज में है, तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी जस्ट वेवलेंथ के अपोजिट होती है। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, गामा रे की, तो इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, और वो कितनी होती है, 10^23 हर्ट्ज। और सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी हो जाएगी, रेडियो वेव की, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम, वो फ्रिक्वेंसी सबसे कम, और फ्रिक्वेंसी सबसे कम क्या है, 10^9 हर्ट्ज, 10^9 हर्ट्ज होती है रेडियो वेव की। अब हम आते हैं बॉस बीच वाले को याद रख लो, ये प्लस ये 7 है तो 7 का डबल क्या होता है 14, ये 14 किसकी हो जाएगी, विजिबल रे की फ्रिक्वेंसी 10^14 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा गैप कर दो, दो दो का गैप कर दो, जैसे इसमें कर रहे थे हमने वेवलेंथ में, वैसे दो का गैप करेंगे तो क्या होगा 21 हर्ट्ज, दो का गैप करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 हर्ट्ज, और ऐसे यहाँ पर दो का गैप करो तो कितना हो गया 12 हर्ट्ज, फिर दो का गैप करो तो क्या हो गया 10^10 हर्ट्ज। इस तरीके से आपको पूरी फ्रिक्वेंसी याद हो गई, वेवलेंथ इजीली याद हो गई, और ये आपको टाइप्स याद हो गए, और आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चन आता है, मैं अभी कराऊंगा किसी भी बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं, जब ये याद हो गए तो अब इसमें क्या करना है, यूजेस याद रखना है। अरे तो भाई यूजेस तो बच्चे वाले, गामा रे की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो पेनेट्रेशन पावर भी क्या होगी, सबसे ज्यादा, मतलब पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होगी तो हम इसका यूज कहाँ पर कर सकते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में, क्यों, कैंसर में अनवांटेड जो हमारी सेल्स है वो ग्रोथ करती है, तो उनको हम कट करने के लिए किसका यूज करते हैं, गामा रे का, और क्योंकि उसकी पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होती है। ऐसे ही एक्सरे हम एक्सरे करने में करते हैं, अरे हमारा बोन्स ब्रेक हो गई तो हम या सर्जरी वगैरह करना है, चेक करने के लिए हम क्या है एक्सरे करते हैं ना, मेडिकल में यूज होती है, और ये भी कहाँ, इसकी भी पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। नेक्स्ट यूवी रे हम क्या करते हैं, जम्स वगैरह जो वाटर में रहते हैं उसको किल करने के लिए हम इस तरह यूज़ करते हैं यूवी रे का। फिर विजिबल लाइट मैंने बताया, एनिमल्स को देखने, सब को भी मुझे देख पा रहे हैं आप विजिबल रे के कारण। इन्फ्रारे रिमोट वगैरह में यूज़ करते हैं हम, ठीक है, और यूवी रे का एक स्टरलाइजिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेना आप। फिर माइक्रोवेव माइक्रोओवन में करते हैं, रडार में करते हैं, टीवी सिग्नल में करते हैं, और रेडियो वेव का हम रेडियो में करते हैं, सिंपल सी बात। तो यूजेस आपको याद हो जाना चाहिए, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभार सोर्सेस पूछ लेता है। तो अल्ट्रा वॉयलेट रे अपने को मालूम है, जो हमारा सन से लाइट आता है उसमें अल्ट्रा वॉयलेट रेस होती है। एक्सरे हम कहाँ से, एक्सरे हमारी जो है गामा रे कहाँ से मिलती है भाई, तो अल्फा बीटा गामा जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कहाँ से कैसे प्रोड्यूस होती है उसका रफली आइडिया होना चाहिए, क्लियर है अपना। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आते हैं हम भाई, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं, ये चैप्टर पूरा एंड हो गया, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब देखो मैं आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको बताता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, देखिए जरा। तो आपको अगर बिल्कुल फुल में से फुल मार्क्स लेके आना है तो बिल्कुल हमारे चैनल पे बने रहो,
दोस्तों सब्सक्राइब करो, शेयर करो और भाई रिवीजन भी कर लेना, जो पढ़ाया है उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, देखो जरा आप यहाँ पर इस पूरे उस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में आप देख पा रहे होंगे, इस पूरे चैप्टर में आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या हो गया भाई, थोड़ा सा भाई ऊपर जाओ, यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई अभी हमने ये सब वो करे, नोट्स बनाने हैं तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ चुके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सीलेटिंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम भी पढ़ चुके, वही रेडियो वेव, माइक्रोवेव और हमारा क्या है माइक्रोवेव, इंफ्रारे, विजिबल रे, एक्सरे, गामा रे, सब हमने पढ़ लिए सिक्वेंस से। और ये मैं भी उन्हें बता दिया हूँ कि एक्स में रहता है तो ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस के जेड, बात एक ही है। तो इस तरीके से हमारा बनेगा। और यहाँ पर ये फॉर्मूले सब देख चुके हैं हम, पढ़ चुके हैं और बस इसके अलावा यूजेस वगैरह सब यहाँ पर दिया है, हर्ट्ज वगैरह ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट अब ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है देखो किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द करंट प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज, बताओ कौन सा करंट होता है कैपेसिटर में, अभी बताया था मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या होती है इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज, कौन से चार्ज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, तो अभी पढ़ा हमने एक्सीलेटिंग चार्ज, तो क्या आ जाएगा, मूविंग विद एन एक्सीलरेशन। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं और याद रख सकते हैं। फिर ये थोड़ा सा हमको याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ जो ऑर्डर में है, तो फर्स्ट प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट, सबसे पहले वेवलेंथ के बारे में किसने बताया था, तो हर्ट्ज ने बताया था, इसलिए फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या रखे हमने, हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिस्पेक्टली, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव एलोगेशन, मैंने बताया था ना कि थ्री टाइप के होते हैं, तो ये थ्री टाइप में से कौन सा टाइप आएगा, इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना है, बीसी एबीसीडी वाला फॉर्मूला याद करें तो बीसी इक्वल टू क्या होता है ई, पर यहाँ पर हमको बीसी इज इक्वल टू ई कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब और क्या हो सकता है, मैंने बताया था सी क्रॉस ई भी हो सकता है इक्वल टू बी, और क्या हो सकता है ई क्रॉस बी भी हो सकता है, सी क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो सकता है सी, इसका मतलब ई क्रॉस बी हमारा क्या है, सी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर लिखा है द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप जानते हैं ये बी को डिवाइड में लेके आओ, बी को जब हम डिवाइड में लेके आएंगे तो सी इज इक्वल टू क्या बचेगा, ई अपॉन बी, इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, इसका सी वाला आंसर आ जाएगा, इसका मतलब ये बहुत ही इजी है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, तो आप देखो ये बी को डिवाइड में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये बी डिवाइड में आएगा तो ई अपॉन बी क्या हो जाएगा, सी के इक्वल, मतलब सी आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं और आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और आते हैं, ये वन मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो गया, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच्चों वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो जरा यहाँ पर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट इन वैक्यूम अलोंग एक्स एक्सिस, अगर वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, अगर हमारी वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, क्योंकि अपन ने पढ़े हैं अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और एक्स वाई और जेड में रहते हैं। तो अगर वेव हमारी एक्स में है तो भाई ये वाई में होगा, ये जेड में, या इसको जेड में इसको वाई में, किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, नो डाउट, नो टेंशन, पूरा सब सही होगा। अब इलेक्ट्रिक ई नॉट एंड बी नॉट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टली इन, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैंने बताया पूरा एक क्वेश्चन कराया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी का रेशियो है और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का रेशियो क्या होता है, वन आता है, वो पूरा सॉल्व कराया हूँ, वही अपना आंसर है और लास्ट में इसके सॉल्यूशन भी दिए, मैं उसको सॉल्यूशन भी देख आपको बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट यू मीन टू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, अभी पढ़ लिया आपने डिस्प्लेसमेंट करंट और उसके फॉर्मूला लिख सकते हैं हम,
और नेक्स्ट यहाँ पर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये रिप्रेजेंट। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ जेड आ रहा है, तो ये समझ जाओ मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में और इधर कोई जेड लिखा है साइन के एंगल में, तो इसका मतलब वो वेव की डायरेक्शन शो कर रहा है। वो पूछा भी इन विच डायरेक्शन इज द वेव प्रोपोगेट, तो ये कौन सी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही होगी, जेड डायरेक्शन में। इन विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट, अब मालूम है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में हो गया वेव जेड में हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगी भाई, वाई डायरेक्शन में होगी। कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला लिख दो, स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और एक्सेलरेट ड्यू टू एक्सेलरेटिंग चार्ज के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। बहुत सारे हम क्या लिख सकते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, और इस तरीके से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इजी है, तो मैं आगे आपको स्लाइड चला ऊपर कर देता हूं, तो आप देखते जाइए किस टाइप के क्वेश्चंस आए, और ये पूरे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और इसके आंसर भी क्या है नीचे दिए गए हैं, और ज़्यादा ही हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, हमारा मेसी कोचिंग का ऐप है, आप जब जाएंगे किस पे प्ले स्टोर पे तो मेसी कोचिंग सर्च कर दिएगा, रेड सर्कल में MECI आ जाएगा, तो उस ऐप में आपको ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे, आपको पूरी तरीके से PDF मिल जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वीडियो तो अपने YouTube में भी है और वहाँ पर भी बहुत सारे ट्रिकी वीडियो है, तो आप उसको ज़रूर डाउनलोड करके वहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं, और अपने एग्ज़ाम में पूरा 100 में से 100 मतलब फिजिक्स में 90 से ऊपर लाने का मस्त जुगाड़ है ये, ठीक है। तो ये देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप किस टाइप से प्रीवियस ईयर में किस तरीके से आया, ये 2019 में आया, 2014 में आए, क्लियर है, ये फिर आपको दिख रहा है। और नेक्स्ट टॉपिक एक और क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बता दीजिए सर किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसके भी ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं जरा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज इन किल जर्म, मैंने बताया था अभी वाटर प्यूरिफाई में जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए कौन सी यूज करते हैं, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेस। नेक्स्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज इन रडार, रडार में किसका यूज होता है भाई, अभी हमने बताए थे माइक्रोवेव का यूज होता है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज डिस्ट वेवलेंथ, अभी याद कराया कि नहीं, ट्रिक से याद कराया हूँ, डिस्ट वेवलेंथ, गामा गाड़ी आती है तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम, तो इसका मतलब कौन सा आंसर रहेगा, लीस्ट वेवलेंथ गामा रे, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेडियो वेव की, आया समझ में। हाँ फ्रिक्वेंसी पूछ लेता जस्ट अपोजिट हो जाता। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपको वेवलेंथ से रिलेटेड इसका रिलेशन बताना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो अभी ये देखो सबसे कम किसकी होती है मेरे भाई, या सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रेडियो वेव की होती है, उसके पहले क्या आता है माइक्रो, उसके बाद विजिबल आता है एक्सरे, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, सी, क्लियर है, रेडियो की सबसे ज्यादा है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, यहां तो ये गलत दे रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। आप देख सकते हैं एक्सरे की कम होती है वेवलेंथ से, वो माइक्रोवेव से, और उससे ज्यादा रेडियो वेव, पर ये विजिबल की क्या होगी, हाईएस्ट बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब रेडियो वेव की क्या होगी, सबसे ज्यादा, क्लियर है। और देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज नेक्स्ट टू द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी एंड ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाई विजिबल लाइट के बाद लोएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी आएगी, तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है, तो विजिबल रे के बाद कौन सी रे आती है, मैंने अभी बताया आपको सिक्वेंस याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है, इंफ्रा रे आ जाएगी, विजिबल रे के बाद क्या आ जाएगी, इंफ्रा रे, प्रोड्यूस बाय बम्बार्डिंग मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक्सरे हमारी प्रोड्यूस होती है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर हाउ आर एक्सरे प्रोड्यूस, ये सब आप लिख लो और यूजेस याद रख लो, मैंने बताया कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड वाई, इसका आप आंसर देख सकते हैं, पूरे बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए डायरेक्टली, यहाँ गामा रेडियो वेव सेम वेलोसिटी फ्री स्पेड डिस्टिंग्विश में डिफरेंस बता दो आप, ये बहुत इजीली कर सकते हैं आप वेवलेंथ के बारे में। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है ये रेंज कि किस तरीके से कौन सी रेंज है उनका यूज बताओ, तो आपको वेवलेंथ 10⁻¹ से 10⁻¹⁴ बताओ किसकी वेवलेंथ होती है, सबसे कम वाली वेवलेंथ गामा रे, और उन्हीं के क्या करना है यूजेस बताना है, -4 to -6 बताओ कौन सी रे है, -4 to
माइनस सिक्स, तो माइनस फोर टू माइनस सिक्स क्या है, माइनस सेवन तो किसकी होती है, विजिबल, बीच वाला याद रखो। उसके बाद कौन सी आती है भाई, विजिबल के बाद हमारी रहती है इंफ्रारे, तो ये किसके लिए जाएगी, इंफ्रारे, और उसका यूजेस आप बता सकते हो। तो इस टाइप के आपके थ्री मार्क्स में क्वेश्चन, टू मार्क्स में क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चंस को पॉज करके, और इनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिए हैं, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले दिए हैं, ये ऑब्जेक्टिव है पूरे, और ये फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हैं आपको, जो मैंने अभी बताया आपको, ये हमारे पूरे सॉल्यूशंस दिख रहे हैं आपको। आप पॉज करके क्वेश्चंस और विद सॉल्यूशन देख सकते हैं, वरना हमारा मेसी कोचिंग का ऐप है, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ये पूरी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। फिर ये स्पेक्ट्रम वाला पार्ट है, उसके भी यहाँ पर दिए हैं, जैसे इंफ्रारेड किसमें, मस्कुलर पेन थेरेपी में और रिमोट कंट्रोल में यूज होते हैं, ये सब पढ़ाया हूँ मैंने। ये आपको दिख रहा है वेवलेंथ रेंज किसकी होती है, हमारी अल्ट्रावायलेट रेस की। इस तरीके से आपको ये यहाँ पर आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पूरे आंसर्स है, ये देखो ये रेशियो, ये पूरा सॉल्यूशन करके दिया है। ये बस हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आता हूं। और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बस ज्यादा कुछ ही टाइम में हम कैसे शॉर्ट और स्मार्ट स्टडी करके मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, इसके लिए मैं, आप सीरीज से बने रहे और दोस्तों को शेयर करें। अपन इस बार 90 से ऊपर फिजिक्स में, 90 से ऊपर मेरा टारगेट है, और लास्ट ईयर हमारे बच्चे ने लेके भी आया है, 96 मार्क्स लेके आया है फिजिक्स में। तो आप बिल्कुल लगे रहो और अपन तूफानी कर देंगे। रिविजन करिएगा और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।